गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस टाइम पे हर किसी को कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए होता है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आइस टी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है और इसे आप आराम से घर पे बना सकते हैं। तो इस आइस टी को फ्लेवर किया है मैंने एप्पल और लीची से, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट का भी यूज़ किया है जो कि हमारी आइस टी के फ्लेवर को काफ़ी इन्हांस करता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और आप लोग भी इस आइस टी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अब देर किस बात की, फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है पानी। हमें इस पानी को गर्म करना है और इसमें हमें एक कटा एप्पल डालना है। तो यहाँ पे हमें एप्पल को बॉईल करना है जब तक कि वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो 3 से 5 मिनट तक आप इसको बॉईल कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे एप्पल सॉफ्ट हुए हैं नहीं। अगर हमारे एप्पल सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इसे मैशर की हेल्प से रफली मैश कर लेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे और जो भी हमारे बचे हुए एप्पल्स हैं उनको हम फिर से मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं इस आइस टी को विदाउट शुगर प्रेफर करती हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें इस स्टेज पे शुगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने हॉट मिक्सचर में ऐड करेंगे चाय पत्ती। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी में लगभग 1 टीस्पून चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें लिखकर रेडी करना है और हमें यहाँ पे इसको कवर करके रखना है 2 से 3 मिनट तक। ध्यान रखिए हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है वरना हमारा लिक्वर जो है वो कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा लिक्वर रेडी हो गया है। अब हम छन्नी की हेल्प से इसे छान लेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइस टी का टेस्ट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे तो आप आइस की क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आप कम आइस डालेंगे यहाँ पे तो आइस जो है वो जल्दी मेल्ट होगा, इससे टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफर हो सकता है। स्क्वीज़ करेंगे यहाँ पे हम 1/2 लेमन। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लीची जूस। तो क्योंकि मुझे लीची नहीं मिल पाई तो मैं लीची जूस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश लीची मिले तो आप उसका भी पल्प से उसको जूस बना के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्लासेस को 1/2 फिल कर लिया है लीची जूस से। अब हम 1/2 ऑफ द ग्लास में अपना एप्पल फ्लेवर लेकर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे टाइम हो चुका है हमें हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ऐड करने का। तो जी हाँ, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे दालचीनी। तो हम यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और उसे जलाएंगे। जलाने के बाद डायरेक्टली हम इसे अपने ड्रिंक में डाल देंगे। इससे एक बहुत अच्छा अरोमा रिलीज़ होता है जो कि हमारे इस आइस टी के टेस्ट को दुगना कर देता है। यहाँ पे हम अपनी आइस टी को गार्निश करेंगे लेमन स्लाइसेस और एप्पल के कुछ पीसेस के साथ। तो ये हो गई हमारी रिफ्रेशिंग आइस टी की रेसिपी रेडी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।